बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम रीत सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, कैसे लग रहा है आपको ये वाला नावल? अपनी राय का ज़रूर इशार कीजिएगा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जन्नत के पत्ते रिटन बाय निमर अहमद की नावल हमने स्टार्ट किया, वह चार दिनों से ये पढ़ रहे हैं। आज हमने 5th एपिसोड इसकी रीड करनी है। तो उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल की 5th एपिसोड। होप सो यू पीपल विल एंजॉय इट। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टूटू ने डोरम की खामोशी में ज़रा सा इर्तियाश पैदा किया था। कॉल का सबस बटन दबाने से पहले इसने नज़र उठाकर अपने मुकाबले बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मतवजह थी। मगर हया, मैं इसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो इसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये इसका मसला, तुम कॉल मिलाओ, वह झंझलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्स बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानब तवील घंटियां जा रही थी, वो दोनों दम सादे घंटियां सुनती गई। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हुआ, इसी के मोबाइल पर कर लेते, शायद इस पर वो उठाए। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहानी था, असली मसरूफ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खतीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान। खतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था, पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी, शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके, वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पर डाली, जो दम सादे कुर्सी के किनारे पर आगे होकर बैठी देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड जाने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे व्यू का जाएंगे। हया ने ना समझी से उलझ कर इसे देखा, फिर नफी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब्धा हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी। मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा, तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ से इशारे करती से बाज रखने की कोशिश करती। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग और व्यू कदा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो दूसरी जानब चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ, ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली कौरसल से कद्दी कोए की बंदरगाह पर पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा, वहाँ से फिर हम इकट्ठे फेरी में सवार होंगे, ठीक है? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपका एहसान ता उम्र याद रखूँगा, वो ज़रा सा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज से मैगजीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी इसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे, क्योंकि मुझे इसके शादीशुदा होने में भी अभी तक शक है। वो अब एक सफ़े पर रुककर बगौर इसकी तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में, वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता इसका, शायद मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में हो गया था, अब पता नहीं इसे खुद अपने निकाह का इलम है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। फिर पप्पो ने इसे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी, डीजे ने खफगी से चेहरा उठाकर इसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ और इसे इलम ना हो? यकीनन इसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल यह है कि निकाह इसका जिससे भी हो, मगर तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रसाले की तरफ मतवजह हो गई थी। क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्ता से बोली। तो डीजे ने एक झटके से सर उठाई। यानी ओ गॉड, तुम्हारा इससे निकाह हुआ था? ओ तो वो तुम्हारा क्या लगा? सुतेला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने पैंक की तरफ बढ़ गई। ओ माई गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी है ना, अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊँगी। वो ऊपर अपने बिस्तर की तरफ फिर से लेट गई और कंबल मुँह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया, और गॉड वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज के, वो मैगजीन फेंक कर उठी, खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई, फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए, आवाज़ चलाई। गुड मॉर्निंग डीजे, टीबे। दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हाँक लगाई। जलील, वो जलकर और ज़ोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिए खींच कर इसे दे मारा, मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगारता मोबाइल बाहर निकाला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था, दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बाइस वो आजकल इसे इस्तेमाल कर रही थी।
चमकती स्क्रीन पर तुर्की का कोई गैर शिनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतन याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में तो बहुत चोर थी, इसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी दो हिंसे भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ही ना था। हेलो, वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई, कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। आवाज़ नबी भी थी और नई भी, मगर इसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भेज गई। अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो के वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के निचले तबके की शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको, आखिर हम उसे चाहते क्या हैं, मिलना चाहता हूँ, बताइए क्या ये मुमकिन है। इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई, हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों, जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, इसमें गालबन उसने बयू कदा का जिक्र किया था, प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे, कि आप इधर नहीं आ रही। तो वो इसकी कॉल टेप कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पर कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बियू कदा नहीं जा रही, आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे और ना ही मेरी कॉल टेप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे। इसने झलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुरख बटन ज़ोर से दबाया, मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी, भी जाने कब ये शख्स इसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सर सराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भेजे सामने उफक पर देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकनी की दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो कब से कदी को एक ही बंदरगाह पर फेरी में सवार हुए थे, जब तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच पर था, जगह ढूंढने में इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो बलाई मंजिल पर आ गए थे जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता जहां हर तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक नशिस्त भी खाली ना थी। इनको बिलाकर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिल गई। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुक करके एक वक्त में एक बंदा ही रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए थे, मगर इसे बेहद सर्दी लग रही थी कि इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब स्याह स्टॉल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पर बांधे रखे। गिव मी सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया के बाएं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। युवा लड़कियां बहुत सी थी, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और इनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पर इस्तांबुल आई भी थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज़ बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम इस रोज़ बगैर बताए उठकर चलेगी, तुम्हें पता है मैं कितनी देर तक लाल सक्रेट पर तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पर झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते। हया ने बेनियाज़ से शाने उचकाए, हवा से इसके बाल उड़ उड़ कर जहान के कंधे को छू रहे थे, मगर इसे इन्हें समेटने का तकल्लुफ नहीं करी थी। इतना गुस्सा, जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से देखा। वो तने वनकुश के साथ सामने खड़ी देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने, अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं। मेरी जगह कोई भी होता तो यही पूछता, मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं। सीगल्स का एक गोल फड़फड़ाता हुआ इनके सामने से गुजरा। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीगल समंदरी बगले ने फिज़ा में गोता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही। पानी में गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी, इसके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाजिया दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है यार कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है। पूछो, ज़रूर पूछो, मगर इसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहान के लिए वही हया सलमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब इसी के सामने उठाना भी था। जीने दो कुछ पल तो जीने दो, वो लड़कियाँ लहक लहक कर गा रही थी। डीजे भी कहीं इनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी, वो रुख मोड़कर इसके बिल्कुल मुकाबला खड़ा हुआ, रोटी का बचा हुआ टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर इसे देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था इसे पिघलने में और पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी, खुद से किए सारे वादे भूल गई। ओके, इसने रोटी का टुकड़ा खींच कर तोड़ा और उड़ते हुए बगले की सिमत फेंका। इसने इसे फिजा में ही पकड़ लिया था। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? उखड़, बदलिहाज, बदतमीज़, बदतहजीब, बेमरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती कि वो बेख्तियार हंसता गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हया सलमान? खूब हंसकर वो बोला, कम अज़ कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। इसने रोटी का टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा भी हवा में उछाल दिया।
जान अभी तक हंस रहा था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी एन अदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। लड़कियाँ इसी तरह मगन सी गा रही थी। वो तीनों साथ साथ ब्यूकदा की इस बलखाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेट कर पकड़े हुए चल रही थी। इसे यूँ लग रहा था कि वो पुराने ज़मानों में वापस चली गई है और एक कदीम जजीरे पर जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़ था। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहजादी थी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड तुर्क में अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के। मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़ नौ जजीरों के ग्रोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्त व ताज के लिए ख़तरनाक लगते शहजादों को जिला वतन करके इन नौ जजीरों पर भेज दिया करते थे, जिससे इसका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया। ब्यूकदा इनमें से सबसे बड़ा जजीरा था। ब्यूक यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। ब्यूकदा दुनिया के ट्रैफिक रश और हंगामे से दूर एक पुरसकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ बसें और दूसरी ऑटोज़ नहीं होती थी। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बग्गियाँ थी या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जहानी से चंद कदम आगे निकल गए और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में कोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे, इसमें अब खासी बेतकल्फी हो चुकी थी। जहाँ इसे रेस्टोरेंट के मुतल कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा अकसाम के कबाब मिलते हैं, तकरीबन 150 अकसाम के, और ये रेस्टोरेंट यहाँ तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बे तो जही से इनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। और इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट से घिरी थी। गाइस प्लीज़, ये पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो अब मैं इसके लिए आपसे माजत खाऊँ, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। इनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तेरे कुर्सियाँ और मेज़ें बिछी थी। सिपाहियों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गई। सियाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ्राक में मलबूस थी। घुंघराले बाल कंधे पर आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पर खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पर हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी, और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सियाह खटाखट अपने कैमरों में इसकी तस्वीरें मकीद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पर मासूमियत तारीख है। कभी आंखों को पटपटाती, कभी थोड़े तेरे हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सकोड़ती। शायद एक दो सियाह इसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी होगी। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तौकफ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भेजे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाकर फिर से सियाह को जगमटे में खड़ी बच्ची की तरफ मतवजा हो गई। यार उम्र देखो इसकी और एक्शन कैसे मारी है, डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफ्तर मजमे को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ अपने चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सबस। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पर तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखा इसके लबों से होरे से निकला आयशेगुल। जवाबन वो भूरी सबस आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे में से इस रास्ता बनाकर इसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सियाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मजाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशेगुल था मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर इनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना ब्यूकदा दिखाता हूँ, जहान की आवाज़ पर वो चौंकी फिर खफीफ से सर झटक कर इसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बगी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लेरा फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब इसी पर सवार हो रही थी। हया बगी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बगी ऊपर से खुली थी, आगे घोड़ा जता था। इसके साथ बगीवान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी दो अफराद की बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पर सुनहरी नक्शों निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त नहायत गदास थी। वो दोनों एक साथ ही इस पर बैठे। बगीवान ने घोड़े को ज़रा सी चाबक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर इसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं, हया ने गर्दन किसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग, हया गहरी सांस लेकर सामने देखने लगी। सड़क दो दूर या सब्ज़ दरख्तों की कतार से घिरी थी। दो रविया सब्ज़ दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे पड़े थे।
दरख्तों की दोनों कितारों के दरमियान बगी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, धोखा दही, रिश्वत जनी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्वस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और वो मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस ज़हनियत के भी, मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम और बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तौकफ़ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेर लब मुस्कुरा दी। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं, हमारी इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के कैफे में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था वो, खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें, इसने याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिर्फ शख्स, जिसको मसरूफियत के बाद घूमने फिरने का वक्त ही नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेवकदा तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई, इसने हैरत से पलके झपकाई, जहान ने शाने उचकाए। वक्त ही नहीं मिलता, मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए वो स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बगी सड़क की ढलवान से नीचे उतर रही थी। बलखाती सड़क ने दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत बंगलों की कतारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। वो तख्ता कमज़ोर है, दफ्तर जहान ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडिक नहीं है। अच्छा, वो जो झुक रहा था कदे खफगी से सीधा हुआ और फिर से मोबाइल पर कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो मादाम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूँ ही ऑन दी मूव भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेवकदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पर हया ने लाशौरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। दाएं तरफ जहान के इस जानेब जिस बंगले के सामने से बग्घी गुजर रही थी, वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे से तूने पर वो महल यूँ शहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पर बैठा होता है। इसके छोटे से बगीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बगी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। सफ़ेद महल की लकड़ी के गेट पर नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पर कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था AR Pasha। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पर जहान ने पलट कर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो, वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहाँ ने तुरक में कुछ कहकर कोचवान से बग्घी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज? जहाँ ने सामने मस्जिद की जानब उंगली से इशारा किया। अच्छा, वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रॉड पर रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पर रखकर उतरी। जहाँ पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की जानब बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ़ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वज़ू करके औरतों के प्रेयर हाल में आ गई। आज हया ने भी नमाज़ पढ़नी याद आ गई। हाल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी, इसके सामने एक बच्ची इसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया ने गिले बाजुओं की आस्तीन नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देखती रही। ये वही दोनों लड़कियाँ थीं जो अभी 2 गलियाँ छोड़कर सड़क पर नजर आ रही थी, जामनी फ्राक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्काफ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को चुनचोड़ती कुछ कही जा रही थी, मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था नफ़ी में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरदीद की जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। हया स्टॉल को चेहरे के गीत लपेटते हुए इन दोनों को देखे गई। इन्होंने इसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थी। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा कि वो बच्ची अभी तक इस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी आवाज़ धीमी और ज़ुबान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर ज़रा ज़ोर से आयशे गुल प्लीज़ कह उठती तो हया को सुनाई देता। एक आखिरी निगाह इन दोनों पर डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पांव चलती हुई बरामदे तक आई और सतून के साथ टेक लगाए के खड़ी हो गई। हवास इससे इसका सर पर लिया स्टॉल सर की पुश तक फैल गया। सामने चंद कदम के फासले पर वह सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जहां सिकंदर का मखसूस लापरवाह सा हुलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सतून से टकाए से देखी गई। अब वो सजदे से उठकर तशद में बैठ रहा था। हर काम फुर्ती से करने वाला जहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसकून थी। वो चूँकि इससे ज़रा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से इसका सिर्फ हल्का रुख ही नज़र आ रहा था, गर्दन की पुश्त और चेहरे का ज़रा सा दायां हिस्सा। वो गर्दन झुकाए तशद पड़ रहा था।
फिर इसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाकर इसका चेहरा नजर आ गया। वज़ीर आलम मुस्कुराते से देखे गई। दूसरी जानिब सलाम फेर कर इसने दोनों हाथ हया दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा, फिर अच्छा एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो इसे सतून के साथ खड़ा देखकर मुस्कुराया। तुम इंतज़ार कर रही थी, वो ज़रा मुस्कुरा कर कहता इसकी तरफ आया तो हया ने इस्बात पर सारी ला दी। वो दोनों साथ ही बाहर निकल आए। जहान चौकट पर जब वो झुक कर जॉगर पहन रहा था तो हया ने सिर्फ करा तुम मजहबी हो थोड़ा बहुत, वो तस्मा बांध रहा था, लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाती उसकी उंगलियां थमी। इसने सर उठाकर कदर ना समझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता, वो तो मुझे नहीं पता। वैसे तुम दुआ में क्या मांगा तुमने? मैंने ज़िंदगी मांगी, वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ था। ज़िंदगी, हया ने इसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो अब आदतन स्वेटर की आस्तीनें मोड़ रहा था। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी इसको कमी लगती है, सो मैं हमेशा ज़िंदगी मांगता हूँ। अगर ज़िंदगी है तो बहुत खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेरा है। वो दोनों सड़कों के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जहान? बियू कदा की एक सर्द हवा इसके बाल फिर से उड़ाने लगी। शाल सर से फिसल कर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वह जानती थी कि खूबसूरती हया सलमान की आँखें हैं। जैसे कोई बात नहीं कहेगा, मगर जो इसने कहा वो हया सलमान के लिए कतन गैर मतवक्के था। अली करामत की माँ? क्या? इसने ना समझी से जहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ। अली करामत मेरा एक क्लास फेलो था, स्कूल फेलो था। एक दफ़ा मैं इसके घर गया तब मैंने इसकी माँ को देखा था। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और इस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिशू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया वो चेहरा इतना मुकद्दस इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसकी बात पर वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद वो बोली। वो स्याह फाम थी, खालिद स्याह फाम। और हया के हलक तक में कड़वाहट घुल गई। तहम वो खामोशी से इसके साथ कदम उठाती रही। ये वो बहुत शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे घूम पी लेती थी और फिर भी मोम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने असली तंतके से इसको इतनी सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा हिम्मत ना करता। हद हो गई भला, स्याह फाम कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं। या फिर शायद जहान का मतलब यह था कि इसे हया सलमान के मुकाबले में बदसूरत औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफ़ा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी मगर चुप रही। सपहर ढलने लगी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बियू कदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब इसके पांव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पर फिर से बालकनी में खड़े होने के लिए कतई राजी न थी और इसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर मगर बैठने का या नशीश ढूंढने का था। जहान को टिकट लेने में खासी देर लग गई। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी। सो सयाहों का सारा हजूम टिकट की खिड़की के आगे मौजूद था। अब इसके बाद अगला जहाज़ रात के 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज़ नहीं चलना था। जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या फिर तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती रही तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो इन दोनों की सुस्तरवी पर खासा झंझला कर बोला। जवाबन वो कदर खिफत से ज़रा तेज़ चलने लगी। बंदरगाह खचाखच स्याहों से भरी हुई थी। वो तीनों इस रश में बमुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जहान आगे था और वो दोनों पीछे। अब इसे अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी। प्रॉपर्टी की मालिका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जहान इस सारे मामले में कदर परेशान और मुतासिफ लगा था। गो के वो तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था मगर उसका हर रंग पहचाने लगी थी। ओ रियली, ये अनवाकई लगता कि तो हर रंग पहचाने लग गई है। वैसे ना एक मैंने हिसाब लाया, जेड़ी मुलाकात इनकी पुरसकून रहती है ना वो उस तो अगली मुलाकात इन्हों की वह जंग होंगी है ना कि अल्लाह लमान फिर एक दूजे ने लड़ मार के तो सैडते हो जाती हया उन्होंने कुछ ना कुछ कह दिता वो उधरों लड़ मार के वापस आ जाती। अब देखते हैं ये वाली मुलाकात पिछली बारी लड़ मरने वाली थी ये बड़ी पुरसकून थी। अब देखते हैं अगली क्या होती। वो तीनों फेरी की तरफ जाते बोर्ड की जानब बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को ज़रा सा छुआ। मैडम मैडम, वो ठिटक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। इसके अकब में एक 12-13 बरस का एक तुरक लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। इसने गर्दन के गिर्द और दूसरे दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियाँ डोरियों में बांधकर उठाई हुई थी। अब वो लड़कियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखाता तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ना रुकती मगर वो मोती और इसकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि इसे ठहरना ही पड़ा और बेख्तियार वो लड़ियाँ उंगलियों में उठाकर उलट पलट कर देखने लगी। वो बालों में परोने वाली लड़कियाँ थी और इतनी हसीन थी कि चंद लम्हों के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर बैठी। हया हया, जहान दूर से इसे आवाज़ें दे रहा था। इसने सर उठाकर देखा। जहान और डीजे फेरी के तख्ते पर चढ़ चुके थे और अब झंझलाहट भरी कौफ से इसे बुला रहे थे। एक मिनट, वो अंगश्ते शहादत उठाकर इनको रुकने का इशारा करती पलटकर जल्दी जल्दी लड़ियाँ देखने लगी। हाउ मच? इसने दो लड़ियाँ अलग करके पूछा। 10 लेरा,
टेन ले रहा, ये तो बहुत ज़्यादा। इसने खफकी से बच्चे को देखा, पीछे जहानी से नागवारी भरे अंदाज में फिर से आवाज़ दे रहा था, तुम जाओ जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उसने इनको मुतमिन करने के लिए जाने का इशारा किया। इन तक आवाज़ शायद पहुँच गई थी, तभी वो दोनों शरीर आकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जानब बढ़ गए। फेरी निकलने में भी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। सैमन ले रहा, इसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी क्लच खोला। इससे कबल के वो नोट निकालती, लड़के ने एकदम परस छपटा और भाग खड़ा हुआ। लंबे भर को इसे समझ नहीं आई कि हुआ क्या, और जब समझ आया तो वो रुको रुको मेरा पर्स, वो चिल्लाती हुई इसके पीछे लपकी। जहान डीजे फेरी इस अवतार में सब कुछ भूल गया था। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था, सियाफर तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास सजा करने को वक्त ना था। वो तेज़ कदमों से दौड़ती इस लड़के के पीछे आई, वो बाजार की तरफ मुड़ गया और अब एक गाड़ी के गली के एक एन बस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई इस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर इसे देखा, फिर से भाग खड़ा हुआ। रुको रुको, वो गुस्से से चिल्लाती इसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था मगर इतना तेज़ नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करके वह इस रहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सर पर दौड़ता हुआ दाएं तरफ के कतार के बंगलों में एक का गेट अबूर कर गया। वो हामती हुई इस गेट तक आई, गेट नीमवा था, लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी थी, डीजे और जहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तन्हाई रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था, इसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था हर सूरत। इसने एक लम्हे को इस नीमबा प्लेट गेट को देखा और फिर इसके पीछे खड़े इस सफ़ेद आरिशन महल को, फिर तेज़ी से अंदर आई। ये वही सफ़ेद महल था जिसने दोपहर में देखा था। छोटे से बगीचे में खामोशी छाई हुई थी, शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मतजबजब से चलती बंगले की दाखिली दरवाजे तक आई और बेल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मनकश दरवाज़ा कदीम तर्ज का बना था। इसके आसपास बैल नामी कोई शय ना थी, वो क्या करे, यूँ उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए। मगर वो भी तो इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था, इसे बहरहाल अंदर जाना था। वो एक मुसम्मम इरादा करके इसने कंधे पर फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर इस जजीरे पर आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा चिड़ की आवाज़ के साथ खुलता चला गया, अंदर हर सू अंधेरा था। इसने चौखट पर कदम धरा। हेलो, वो 2 कदम मजीद आगे आई और पुकारा। इसकी आवाज़ की गूंज दोरा दीवार से टकरा कर पलट आई। वो किसी लाबी में खड़ी थी, वहाँ नई तारीकी सी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलगू रोशनी में आते जाती राहदारी ही इसे नज़र आ रही थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी और खौफ में घिरने लगा। कोई है, अब किसने पुकारा तो आवाज़ में ज़रा सा इर्तियाश था। एकदम इसके अकब में ठाक के साथ दरवाज़ा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज़ आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी, दौड़ना बमुश्किल इसके हाथ लगा। इसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया मगर बेसूद। दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन द डोर, वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी, साथ ही खौफ जरा सी दबी दबी आवाज़ में चिल्ला रही थी। शहजादों के जजीरे में खुश आमदीद, किसी ने बहुत धीरे से इसके अकब में कहा था। वो करंट खाकर पलटी। लाबी तारीख थी, अलबत्ता अंदर की सिमट मूर्ति राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टिमटिमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दे रही थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। इसने पलट कर आखिरी बार दरवाजे की नोक को घुमाया। अब इसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था, जो वो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी, इसे अंजाम तक पहुँचाना ही था। वो आँखें सुखेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बड़ी तारीख राहदारी के इस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लॉन्ग लिविंग रूम। गुप्त अंधेरे में वो जर्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन, इसने जो कन्ने अंदाज में पुकारा। वो लिविंग रूम की चौखट पर आन खड़ी हुई थी। इनको खुश आमदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस स्काफ, चेहरे के किट लपेटे वो झुरियों ज़्यादा चेहरे वाली एक मम्मर खातून थी। वो लिविंग रूम के दरवाजे दूसरे सिरे पर खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। अब ऐसे हॉरर फिल्म का मंजर बहुत लगता पे। एक एक करके सर पर थी मोमबत्तियाँ जलने लगी थी। आ जाओ अंदर आ जाओ, लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकती मोमबत्तियाँ जलाते हुए इन्होंने इसी नरमी से कहा। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक छपके इस पुरतश लिविंग रूम के बस्त में रखी मेज़ को देखी गई, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पर आ जाओ, कि तुम्हें इस बच्चे को ना भेजती, इसे माफ़ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो। वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड नज़र आ रहा था, इसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। आ कोई नहीं होती कोई चुड़ैल जी, और जी मोमबत्तियाँ चलाती रहती आते वो लग रही।
हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पर जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पर धरे इस अपने सुनहरी क्लच पर थीं। कुछ खाओगी? इसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मजतमा करके वो बमुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मुझे तुमसे कुछ पूछना और तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुलरहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया, मगर जाते जाते इसने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब इसकी जानी पुष्ट की आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुलरहमान के नाम पर हैरान नहीं हुई। इसने दोपहर में इस घर के बाहर गेट पर लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ तब वो भी पीछे चली आई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मोमे के हल के लिए? वो किसी नतीजे पर पहुँचने से कासिर थे। आपका अब्दुलरहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो इसकी आवाज़ जर्द रोशनी की माने मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ जाहिल हो रहा था। मैं अब्दुलरहमान की माँ हूँ। इन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उंगली की पोरों पर लगी मोम खुर्ची फिर पलट कर इसकी तरफ आई। अब्दुलरहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था लेकिन जब तुमने इनकार कर दिया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि तुमसे मिल लूँ मैं और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में कल बुलाते रहते हैं। वो दम सादे खामोशी से इस मोमर औरत को देखेगी जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मोमर खातून और दूसरा इनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था, चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी जिस पर जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नायद गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूलसूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊँ, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा जो मुस्कुराती पुरशफकत निगाहों से इसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद होने पर डर गई थी मगर अब इस डर का शायबा तक नहीं था। अब्दुलरहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसके सवाल पर वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ होता है, शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे, मगर वो मुझे कैसे जानता है? इसने अपनी उलझन सामने रखी जिसको मुसलसल परेशान किए जा हुए थे। मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी, वो इस्लामाबाद में इस वक्त इसी होटल में था। वहाँ इसने तुम्हें पहली बार देखा और इसी रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम से इसकी दो ढाई माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। इसे फ़ौरन से याद आया जिस रात इसे सुबान जी की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी, इसी दोपहर इसने चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फेडरेशन के तावन से मुनक़द किया गया था। इसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दिगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी, वो और ज़ारा भी यूँ ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुलरहमान पाशा ने वहीं देखा होगा, ये मुमकिन था। तुम्हें वो डोली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा, इसे अब्दुलरहमान ने तुम्हारे ताकुब में लगाया था। डोली इसके अबाई घर का पुराना खादिम है, परसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है इस मेजर का जिसको तुमने और इसने इसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुलरहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात, इस वक्त अब्दुलरहमान इस बात से लाइलम था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिसको तुम्हारे पप्पा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रहा हो गए थे। इन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मनसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र हो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल, एक बासर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुथियाँ सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, ब्यूकदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बाइस काम नहीं कर रहा, सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना जिस घर में तुम बैठी हो वो ब्यूकदा का सबसे खूबसूरत सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकईतन मोहब्बत करता है, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुलरहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया। हया ने गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता और इसकी बेइज्जती का बाइस बनता तो क्या होता है? वो औरत इसकी इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुलरहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है इस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुलरहमान के पास नहीं? वो ज़रा हैरान हुई थी। इसके पास हया सलमान है और अब्दुलरहमान पाशा के पास हया सलमान नहीं है, वो बहुत इस्तेज़ाज से चबा चबा कर बोली। वो खातून लाजवाब सी खामोश होगी और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकारी होगा। वो एकदम अंदर तक कांप गई। वो ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है।
मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है फिर तुम बेफिक्र हो जाओ, अब्दुलरहमान ज़बरदस्ती का कायल ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है, वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा ना तुम्हारा पीछा करवाएगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो, आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी, अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। इसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो तुम अच्छी लड़कियों, कभी दोबारा बीयू का आना हुआ तो इधर ज़रूर आना, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीक राहदारी के दूसरे सिरे पर बने दरवाजे का नॉब इसने घुमाया तो वो खुल गया और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नील को रोशनी डूब रही थी और सुबह अंधेरा छाने लगा। वो दरवाज़ा बंद करके आगे रविश पर आई। इसी पल बाहर से किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी इसे वो दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो तुरक में बातें करती हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी, वही गहरे जामनी फ्राक वाली बच्ची और भूरे स्काफ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने से आता देखकर ठिठक कर रुकी। हया तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्काफ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़कर इसे जाते देखे गई। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते अब उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ आती हवा मजीद तेज़ हो चली थी। नीलगुल से यहाँ पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पर पहुंची शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात वीरान समंदर पूरे सराज जजीरा। इसका दिल चाहा कि खुद कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर जिसे ज़ुबानी याद नहीं थे वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौरी से देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठाकर देखा। आर यू हया सलमान पाकिस्तान टूरिस्ट? इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट इसके सामने किया जिसमें इसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। यस आई एम, मेरी फैरी निकल गई, क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फटते जज्बाल से इसकी आंखें डुब डुबा गई थी। इसने सोच भी कैसे लिया कि वे इसे छोड़ कर चढ़े गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो अंदरूनी कमरे में वो इसे दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी जबकि जहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पर आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई लब भेंच के। एकदम वो कुर्सी के पीछे से निकल कर इसकी तरफ आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी, वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे भी युकदा ने तुम्हें इसके भागते पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी तुम्हें या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी, फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सुबान जी का कार्ड, बाद में परेशानी होती के और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पर ढूंढ रहे थे। तुम्हें जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इसके चिल्लाने के बाद रुक गई थी अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया तुम बिल्कुल पागल हो, इसकी आंखें रोने से मुतवरम थी और फिर वो दोनों रोने लगी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की, आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, वो भुनाकर कहता वापस पुलिस ऑफिसर के तारीफ पलट गया। अब वो अभी तक रोए जा रही थी, इसे पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया हुआ था। लिविंग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने इसने जंगली फूलों की टोकरी लाबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पर वो मम्मर और खातून इसी तरह बैठी थी जिनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर लहता कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रिप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशा, लड़के ने मम्मर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम कर तो रहे, अभी गली में दाखिल होते ही हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था, इन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया जो अब इनके साथ सोफे पर आ बैठी थी। काम भी था और आने से पैसे भी दिए। आयशा गुल तुमने देखा वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया, रोज़ बहाने बना देता है, बच्ची नाक कोड़े दी कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशा ने पलट कर खफगी से देखा। बुरी बात बाहर है, किसी के पीछे इसका यूँ जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र इस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना, चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गए तो इसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुलरहमान के मसले वो खुद ही निपटा लेगा, इन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी, यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है?
क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुलरहमान चला गया, इसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ़्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया, कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, हाँ वो हर दफ़ा यही कहता है, वो उदासी से मुस्कुराकर बोली और एक हाथ से अभी तक वो पर्स में से कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशा मुझसे नाराज़ है, बाहर अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशा को देखा, जिसकी इनकी तरफ पूछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पर यह असर हुआ कि आज ये बाज़ार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचू कहीं गिरा कर सियाहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुम इसे समझा दो ना, नाराज ना हो। किस किस को समझाऊँ? सफ़ीर कहता है कि इसके माँ बाप को समझाऊँ, इसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊँ, आप कहती हैं बाहरे को समझाऊँ, बाहरे कहती है मैं खुद को समझाऊँ, और अब्दुलरहमान कहता है। वो लम्बे भर को रुकी, फिर सर झटक कर परस की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुलरहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर ज़रा सी गर्दन मोड़कर बाहरे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पर गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया बाहरे, मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़की ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़की कैसे करती है आयशा गुल? बाहरे ने मुँह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़की अल्लाह ताला की बात मानती है, वो हर जगह नहीं चली जाती, हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात कर नहीं कर लेती। इसने परस मेज पर उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बाहरे पल भर में रोंखी हो गई, रोहानसी हो गई। नहीं, कोई बुरी लड़की बुरी नहीं होती, बस इसे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। और जानती है जब अल्लाह नाराज़ होता है तो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हूँ कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता तो रास्ता नहीं मिलता। वो मेज़ पर उंगली निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी, खाली परस साथ ही ओंधा कर रखा था। केड़ी चीज़ है जड़ी आयशा गुल ने लभ रही? क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियाँ देने के लिए कहा था, यहीं पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुलरहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। ये वो इसलिए कहते ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पर उसने एक तलख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो बस मार्च के दिन थे, इस्तांबुल पर छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पर बर्फ़ की जमी तय सफ़ेद तय नज़र नहीं आती थी और सबांजी का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कैपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसी वक्त हाले आ गई। इसके पास दूसरा प्रोग्राम था, मेलो कैंट में मिलाद हो रहा, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे, वरना मैंने और हयाने ऐसे कोई नेकी नहीं करनी नहीं है, डीजे अपना परस बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है, ये तो स्टूडेंट्स का मिलाद और पढ़ाई के बाइस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया। अब चलो। मिलाद में दर्श देने वाली लड़की ऊंची चौकी पर बैठी थी, सामने रखी छोटी मेज़ पर खुली किताब से पढ़कर तुरक में दर्श दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दिगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खतीजा पर भी डाल लेती, जो सरों पर दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्श सुन रही थी। मदरस लड़की सख्त शर्मिंदा थी, हाजिन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्श देना पड़ रहा था, और इसे यकीन था कि बाहर बहुत गौर तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। ये तो बहुत साहब होगी कि कुछ लेक्चर्स में ना हम लोग ऐसे बैठे होते हैं, जहन कोई और पहुंचा होता है, लेकिन ना जब कोई टीचर देखे ना तो आगे से एक्सप्रेशन ऐसे देने हैं कि ऐसे गर्दन हिलानी है कि टीचर समझे कि भाई सारा कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा जी, दर्स ख़त्म हुआ तो वो लड़की इनकी तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाहाना अंदाज में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। लें, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने मक्खी से नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरे अस्वद की चादर पर रखने वाला किस्सा बताया, फिर गारे हीरा, वही मुसलमानों की इब्तदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सदीक की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर का कौल कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर गज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलके झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ में आती है, वो जवाबन हंस कर बोली। तुर्क उर्दू जैसी लगती थी और वो वक्तन सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अस्मा के बाइस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया, वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया, ने कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने इनके साथ जाने से माजरत कर ली। अब इन्हें टॉप कैपी पैलेस जाना था, दो लोग अकेले नहीं होते। वो टॉक्सम स्क्वायर पर बस से उतरी तो हयाने से तसल्ली दी, डीजे हंस थी, फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो इस्तकलाल से ट्रीट की जानब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? इस रोज़ कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा स्टार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तकलाल से स्ट्रीट वैसे ही
रश से भरी थी, वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। हयात उस वक्त के वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी इसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि दाएँ बाएँ कंधे से स्ट्रैप गुजार कर दाएँ पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्त लिपटा हुआ था। डीजे ने अभी इसी तरह शलवार कमीज पर सियाह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी, इश्तिया अंगेज थी, महक सारे में फैली हुई थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था, इधर उधर एप्रन और टोपियाँ पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पर सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा सा टोका लिए कटिंग बोर्ड पर रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर, दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज़ बुलंद पुकारा तो इसका तेज़ी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इन दोनों को देखा, फिर सर से पांव तक इनका जायज़ा लिया। दोनों जोगर्स पहने फूले हुए हैंडबैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक, गोया कि वो पूरी पूरी तैयारी के साथ आई थी। गुड मॉर्निंग, वो वापस गोश्त की तरफ मतवजा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पर लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रखी। इस पर लिखा था आई एम बिज़ी डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, बिस्ती जी नहीं हो गई। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा, फिर हया वही चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर लपेटे जेरे लम मुस्कुराते हुए से देखने लगी, जबकि खतीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप के अभी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल से ट्रीट से बाहर निकलो और टॉक्सम से म्यूनसिपलिटी बस पकड़ो, वो पहुँचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खटाखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलट कर हया को देखा, इसने मुस्कुराते हुए शाने उछकाया, वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कैपी पैलेस के टॉप कैपी के किले में गुम हो जाओ और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, लिख कर दे दूँ, वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इस तक लाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा जो करीबी चार्जिंग पर लगा था। हाँ तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कैपी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जौहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ आपने। वो उलट पलट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर इनके सर पर आ पहुँचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी नज़रों से इन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉप कैपी इसे वापसी पर दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यर्गमाल बना कर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है, फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारे हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इसके इनके साथ बाहर निकला। टॉप कैपी सराय के सामने वो सब्ज़ार पर साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और दोनों इसके अतराफ में। जहान, ये टॉप कैपी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यर्गमाल शुदा गाइड हूँ और यर्गमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शानिश का कर बोला। मैं बताती हूँ, टॉप कैपी का टॉप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टॉक्सम बना, वैसे ही तोप टॉप बना, बन गया। कैपी कहते हैं गेट को, सराय हो गया महल। सो तोप कैपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम अ जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कैपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकले। और जिसके कौन नुमा वैसे राज तो नहीं निकलेंगे, लेकिन गूंगे बहरे काम कितना कर दिए होंगे, मतलब कि सुनते किस तरह होंगे। उन्होंने तो जो मर्जी कह लो, ना वो अपनी बात आगे कन्वे कर सकते, ना वो सुन सकते। पता नहीं हम क्या कह सकते हैं। अब पकड़ अपने महल से रखे हुए। और जिसके कौन नुमा मीनार शहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम बरसा और असासे चीनी पोर्सलिन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। वाह, 86 के रात के जवाहरात से मजयन सुल्तान की शाही लिबास निगाहों को खेरा करते थे। ये मनहूस कार्ड हमारे सर पर ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे इन आंखों चंद ध्या देने वाली कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पोलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मुतबरकात थे। वह एक ऊंचा हॉल था, मुनकश दर दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंदो बारह सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती, शीशे की दीवारों पर
मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। हया इर्द गिर्द, फिर लाइन रिपीट हो गई। दफ्तर एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबरक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तच्छी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाह दौड़ाई। कैप्शन सामने लिखा था, स्टॉफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सिकेड़कर पड़ती आँखें पूरी तरह खुल गई, लब भी नीमबा हो गए। लंबे भर में वो दूर खड़ी डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर इधर ले आई। डीजे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? इसने बेयकीनी से पलके झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुँचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जावे से इसको देखने लगी। जहान भी जब मैं हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा होगा। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के रहदारी से आगे पीछे एक एक तबरक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आगे थे। काबा का ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आपका लिबास, दांत मुबारक, आपकी तलवार और बहुत से सहाबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसी मकनातीसी असर था इस तलवार में कि मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खतीजा ने तासुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्हे में तय हो जाता, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबरकात असली है ना? जहान ने इधर से शाने उचकाए, धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पर रिसर्च किया और ना कोई रिसर्च पढ़ा। कोई इम्कान है कि ये सब असली हैं? कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के रिलैक्स तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली है, मेरा दिल गवाही दे रहा कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता और रहने वाली अशियाँ हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबरकत और मकामात मुकदमा के तहफ़ के लिए चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बसरा सबक याद आ गया था। टॉप के अभी पैलेस में घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे? और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की कोशिश ज़रूर करती, मगर आपने तो अपना फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कैपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने इसको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पसमर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम से दर से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोरम जाकर रेस्ट करूँ, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो इन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप के भी पैलेस के पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और अरीज सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरेस की तरफ चंद गज चौड़ा खुला आहाता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पर कोहनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियों तक वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे जब हया ने पूछा। इसे जहान ज़रा थका थका सा लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर अस्पताल में सारी लादा हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पर उल्टी दो गोलियां अलग की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना बैग खोलने लगी लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसे यूं ही जहान की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था क्योंकि चेहरे पर असरात आने लगे थे, सुरख होती आँखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते तो मैं घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा, मैंने अभी दवाई लिया, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा, अभी यहीं बैठते हैं। वो नफी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत के इन चबूतरों में दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे थे नज़र आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ, तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता, मेरी लैंडलेडी शायद आज आए झगड़ा करने, मैं फ़िलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शाल ले लो। इसने बैग से शॉल निकाल कर इसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी, ये शाल वो डीजे बतौर पिकनिक मैट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स, वो सतून के साथ फर्श पर लेट गया, आंखों पर बाजू रखे वो गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले। कब सो गया इसे पता नहीं चला। इसे यकीन बहुत सर्दी लग रही थी और वो इससे एक जीना नीचे बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जहान को देख लेती, वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूँ ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था, इसने इसका जवाब नहीं दिया था और कई दफ़ा पढ़कर लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बीयू कदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राबता नहीं करूँगा।
जो तकलीफ मैंने आपको पहुंचाई इसके बदले अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, कानूनी गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाकईतन कोई रابطہ नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से अपनी मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन ने एक ख्याल कौंधे की तरह लपका। इसने पलट कर एहतियात से जहान को देखा, वो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा कि खूब गौर फिक्र करने के कुछ ऐसा लिखकर भेजे कि वो फटके भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो बियुकदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर सा लगा। गर्दे माश के झमेलों में फंसे इस इंसान की वो एक मदद कर सकती थी, इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसीउल नज़री का शुक्रिया, मुझे वाकईतन इस्तांबुल में एक काम दरपेश। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुँचाने जाने वाली अजियत का मदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बयुकदा के इसके घर भी तो चली गई थी, और जब दरवाज़ा बंद हुआ तो इसे लगा कि वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की और इसका नतीजा। एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया, वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी कि टेक्स्ट पर बात हो जाएगी बहुत है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हेलो, इसने फ़ोन उठाया। जहे नसीब, जहे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लब लहजा। इसे अपनी हरकत पर शदीद पशेमानी हुई। एक काम था, वो एहतियात से नपेतुले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है हयाजी, रब्ता भी तो आपने किया, वरना अब्दुलरहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तक्लाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। इसकी किस्तें अदानी हुई रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है। क्या वो इसे साल दो साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कज़न? वो जैसे चौंका था। जहान सकंदर, वो हकलाई। इसे नहीं पता कि वो ठीक कर रही है गलत, मगर वो यूँ हाथ पे हाथ धर के बैठी इसे इस परेशानी से थकते हुए नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूँ, और ये कि इसकी मालिका इसको फिर से तंग ना करे? जी, वो होले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहान के साथ बैठ गई। चलने भी लगे थे इसे नॉर्मल होने में, इसने वही किया जिसको ठीक लगा। अब वो ज़रा मुतमिन हुई थी। काफ़ी देर वहीं से तून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसके अकब में टॉप कैपी का अजीम महल था, और सामने मरमरा का समंदर। बहुत लंबे महलों की दीवारों से रिंगते मरमरा के पानियों में घुल गए तो एकदम जहान का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही है कॉल, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो चलाक लूंगी ना आई हो कहीं, वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते इसके साथ खड़ी हुई। जहान ने इसकी बात पर थके थके से अंदाज में नफ़ी में सर हिलाए। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते इस्तक़लाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो हया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊँगी, क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खा लेना, वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठिठक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया इसकी निगाहों के ताकुब में देखा। सामने बर्गर किंग था, इसके शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था, और इस सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मानिंद दीवारें पड़ी थी। वो एकदम तेज़ी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शश्तर सी खड़ी रह गई। इसकी समातों में कहका गूंजा था। दूसरे पल वो भागकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग साएं साएं करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, औंधी मेज़ें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। अमले के एक शख्स के साथ दो पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लिपबोर्ड से लगे कागज़ पर कुछ लिख रहा था। जहान वो सब कुछ देखता इन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ आया। वो इसे कुछ पूछ रहे थे और सदमे और शॉक में किंग नफ़ी में सर हिलाता कुछ वो नफ़ी में सर हिलाता कुछ ना कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? इसने करीब से गुजरते शेफ को रोककर पूछा। जवाबन उसने तासुब से सर हिलाया। ये गैंगस्टर से इनके पास असला था। वो अंदर आया और पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और इसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये इसने क्या कर दिया? किस शख्स पर भरोसा कर लिया? ओ खुदाया। पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जहान की निगाह इस पर पड़ी, जो मुश्किल आंसू रोके खड़ी थी। इसने ऐसे हाथ से जाने का इशारा किया, वो वहीं खड़ी रही और इसकी तरफ आया। तुम जाओ टॉक्सम से बस पकड़ लेना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका सा कह रहा था। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा पसमुर्दा और थकन ज़्यादा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया हया? जिसके पास था इसे भी ज़ाया करा दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलामत करती वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टॉक्सम जा रही थी। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि वो फ़ोन करके इस शख्स को बेनुकत सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था कि रब्ता रखने का कोई बहाना। नहीं, अब वो इसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी आज की 5th एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड ज़रूर बताइएगा।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे शाम को विद न्यू नावल। अभी तो वो नावल भी ढूंढना है जो शाम को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।